नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पूर में। हम लोगों के चैनल के माध्यम से JPSC, JSSC और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका तैयारी करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे, डाह नाटक का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 अपलोड हो चुका है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो डाह नाटक का नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस पार्ट को देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आसानी से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, टारगेट पूर जो है आपको लगातार YouTube में आपके एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है और अब टारगेट पूर का एप्लीकेशन भी आ गया है। तो अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो वहां से क्या करें, टारगेट पूर का ऐप डाउनलोड कर लें। इससे आपका क्या होगा, झारखंड सचिवालय अर्थात CGL और JPSC मेंस का जो खोटा सिलेबस है दोनों का कम्प्लीट कोर्स कराया जाएगा। रही बात कि टारगेट पूर का जो एप्लीकेशन है इसमें आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9142943957, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये तो आपका हो गया यहाँ पे जो JSSC CGL और खोरठा का क्लास चलेगा JPSC मेंस का, और कोई भी जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है इसके लिए टेलीग्राम में जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाह नाटक का आज पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे सुकुमार जी से उसका जो जीवनी है, उसकी जो रचना है और उसका जो एक्टिविटीज़ है, उसका जो कृति है, जो सचिवालय का सिलेबस में जो आपसे वहाँ पे मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। तो इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डाह नाटक जो कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है, 3 पार्ट में है, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे थोड़ा संक्षिप्त में लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए, डाह नाटक में आपने क्या देखा था, स्टार्टिंग आपका होता है घर का दृश्य है जिसमें से रचना जो विवेक की पत्नी है जलपान बनाती है, और शेखर जो होता है वो किसान रहता है, ठीक है, जो विवेक का भाई है, वह खेत से आता है और अपने भौजी को खाना मांगता है कि भौजी जल्दी खाना निकालो, खेत में बेल छोड़ कर आए हैं। और इस प्रकार से उसकी भौजी जो है खाना देती है दोनों भाई को, शेखर को और विवेक को। आपको बता दें, आप विवेक जो है आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, ये आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो विवेक जो है कहाँ काम करता है, सेठ रेवजी रेवती इंजीनियर वर्क्स में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विवेक एक सुपरवाइज़र है, विवेक क्या है, सुपरवाइज़र है। तो विवेक चला जाता है काम करने के लिए और शेखर चला जाता है खेत। उससे पहले खाने के दौरान दोनों भाई में डिस्कस होता है और विचार विमर्श होता है। तो शेखर कहता है कि पानी पटाने वाला अगर मशीन हो जाता तो काम आसान हो जाता। तो विवेक उसका बड़ा भाई कहता है कि अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग बेल लिए हैं, तो कुछ दिनों में अगला जब तनख्वाह मिलेगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, पानी पटाने का मशीन भी ले लेंगे। और इसी के साथ क्या होता है, ये पहला दृश्य जो खत्म होता है। हालांकि बहुत और भी चर्चा होता है, जैसे कि उसकी भौजी कहती है कि जो शेखर है बढ़िया से कपड़ा नहीं पहनता, बढ़िया से नहीं रहता है। इसके बाद जब विवेक जाता है रेवती प्रसाद के पास, उसका जो वक्स है, जिसको कारखाना है, वहाँ काम करने के लिए, तो वहाँ क्या होता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, सुपरवाइज़र से फोरमैन में। इसका वजह क्या होता है कि विवेक जो है एक समय का सख्त आदमी है, पाबंदी आदमी है, समय का महत्व को समझता है, और जब प्रमोशन होता है तो इसका महीना जो है तनख्वाह जो है 80 रुपया बढ़ा दिया जाता है। लेकिन उसी के बीच क्या होता है, एक सुपरवाइज़र और रहता है जो आप पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या रहता है, जग्गा। और जग्गा जो सुपरवाइज़र है इसके नीचे एक मजदूर काम करता है जो कि आपका वेल्डिंग का काम करता है एक तरह से, तो वो उसका नाम है विराट, और विराट एक बदमाश किस्म का आदमी है। तो जग्गा सुपरवाइज़र है, एक दूसरा सुपरवाइज़र है और विवेक पहला सुपरवाइज़र है। तो ये विराट जो है जगह के अंदर काम करता है, तो ये दोनों में आपसी लगाव, मैंने कहने का मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती रहता है। तो जब विवेक का वेतन बढ़ाया जाता है, तनख्वाह बढ़ाया जाता है, तो जग्गा और विराट को बड़ा जलन होता है, ठीक है, और इस जलन होता है। इसी के बीच क्या होता है, आगे विराट जो है अपना घर आता है, तो घर आता है तो उसके उसी दिन की बात है, जब घर आता है तो वहाँ पर उसको महीना मिलता है, और महीना कितना मिलता है, 117 रुपया मिलता है। और इतना कम मिलने का वजह क्या होता है कि विराट सही से काम भी नहीं करता, बहुत मतलब अब्सेंट भी करता है, ठीक है, और एडवांस पहले से ले लेता है। जैसे कि आप देखे थे, पहला एडवांस 50 रुपये ले लिया था, दूसरा एडवांस 40 रुपये ले लिया था। आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखें। अब विराट जब अपना घर पहुंचता है तो पूरा
पी मतलब पूरा पियंकर है ये, ठीक है। तो पी के अपना घर पहुंचता है, जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी है विराट की पत्नी भावना, और भावना एक बेटा भी है बंटू और एक बेटी है मुन्नी। बंटू जो है बीमार है, बुखार है, कांप रहा है ठंड से, और ये मुन्नी जो है वो गूंगी है, भूख के मारे वो व्याकुल है, इशारा से बोलती है खाने के लिए, मांगती माँ को। तो भावना कहती है कि आपके पिताजी अभी आ ही रहे होंगे कुछ लेके, तो फिर आप लोग को खाने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो पियंकर जो विराट है पी के आता है, अपना पत्नी से खींच खींच करता, लड़ाई झगड़ा करता है और सो जाता। उसके बाद आपने क्या देखा था, अगला दृश्य में क्या हुआ था कि विवेक जो है, विवेक जाता है सेठ के पास, और सेठ के पास जब जाता है तो सबसे पहले मैनेजर से मिलता है, और मैनेजर को कहता है कि हम मशीन लेंगे, मेरे पास 4000 रुपये पहले से है, आप हमें 1000 रुपया मतलब एडवांस दे दीजिए। तो होता क्या है कि मैनेजर जो होता है, मैनेजर का नाम क्या था, ध्रुव था, तो मैनेजर उसको 5 रुपया देता है, ठीक है। तो अब क्या करता है, विवेक चला जाता है सेठ के पास, तो सेठ कहता है मैनेजर से कि 5 रुपया और दे दो। हालांकि ये जो सेठ है दुमुहिया आदमी है, ये ऊपर से मीठा बोलता है, लेकिन वो किसी का प्रोग्रेस नहीं देखना चाहता है। बाद में मैनेजर को डांटता भी है, ठीक है, पैसा दे दिया इसी के लिए, जबकि पैसा देने वही बोला था। इसके बाद क्या होता है, जब ये विवेक जब घर आ जाता है तो सेठ को बड़ा जलन होता है, ठीक है, और वो चोरी करवा देता है, डाह लगता है उसको, ठीक है। तो वो चोरी करवाता है, आज चोरी करवाता है किससे, किशन से। तो किशन एक व्यक्ति रहता है जो कि विवेक के घर में जाके 5000 रुपया चोरी कर लेता है। अब जब चोरी कर लेता है, करवाता कौन है, याद रखिएगा, सेठ रेवती प्रसाद, ठीक है, जिसके यहाँ काम करता है विवेक। तो फिर अगला दिन विवेक जाता है, अपना सारा मतलब मुँह लटकाए हो जाता है, सारा दुख दर्द सुनाता है कि किस तरह से पैसा जमा करके रखा था और पैसा चोरी हो गया, ठीक है। अब सेठ क्या करता है, उसको 5000 रुपया कर्ज दे देता है। देखिए, पैसा उसके यहाँ चोरी करवा दिया, अब कर्ज दे रहा है, और क्या बोल रहा है, ये 5000 रुपया में आप मतलब इंटरेस्ट भी लगेगा और मूलधन भी, दोनों कटते रहेगा तेरा तनख्वाह से जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता है। और इस प्रकार से मतलब यहाँ तक लोग पढ़े। अब आगे क्या होता है, विवेक अगला दिन जब सुपरवाइजर के रूप में काम करता है, फॉरवर्ड में लाकी उसका प्रश्न हो गया है, तो विराट तो अब क्या हुआ कि विराट पहले जगह के अंदर था, लेकिन विराट चला गया था, समय पर नहीं जाता था, तो सेठ के आदेश पर क्या हुआ, विराट अब विवेक के अंदर काम करने लगा। जब विवेक के अंदर विराट काम करने लगा तो विवेक तो समय का सख्त आदमी है, एक दिन क्या हुआ कि 9:20 में विराट पहुंचता है काम करने के लिए, और जबकि टाइमिंग कितना रहता है, 8 बजे। अब विवेक कहता है कि ये 1:20 लेट, और तुम बार बार लेट करते हो, क्या है लेट होने का वजह। तभी विराट कहता है कि मेरा बेटा का तबीयत खराब था, बोलता है बेटा का तबीयत खराब है, तुम्हारा तो तबीयत खराब नहीं था, वापस जाओ, अब कल आना। मतलब काम से उसको क्या करता है, उस दिन वापस भेज देता है विवेक। तो थोड़ा सा विराट को ख़राब लगता है, और विराट पहले से बता दिए कि बदमाश किस्म का आदमी था। तो वह जब वापस उसको भेज देता है तो वही बोलता है कि तुम बहुत बड़ा मालिक बन गया है, ठीक है, तुमको मालिक बनाते हैं, दरअसल काम से घुमा दें। तो उसको गुस्सा लगा, अब वो उसका मन में एक बदला का भावना चला कि हमको घुमाया है तो इसका बदला जरूर लेंगे, ऐसा चलने लगा उसका मन में। अब होता क्या है, जब विराट वापस आता है फैक्ट्री से, तो उसी दौरान रास्ता में विवेक का भाई, छोटा भाई शेखर, जो कि किसान है, पढ़ा लिखा किसान है, शेखर मिलता है। तो वही बोलता है क्या, यहाँ पे लोग समरी पढ़ रहे हैं, तो शेखर को भड़काता है कि तेरा भाई 8 बजे जाता है, 5 बजे आता है, हीरो जैसा रहता है, जितना कमाता है सब मौज मस्ती में उड़ा देता है, तुम दिन रात बैल की तरह खटता है, जिनकी तरह खटने में गुजर जाएगा। तो शेखर समझ नहीं पाता, फिर पूछता है, कुल मिला के वो भड़काता है कि काम भी आधा आधा होना चाहिए, काम का भी बंटवारा होना चाहिए, जगह जमीन जायदाद सब का बंटवारा होना चाहिए, अगर बंटवारा नहीं किया तो तेरा भाई जिस तरह से होशियार है सारा अपना नाम कर लेगा और तुमको ठेंगा पकड़ा देगा, और कल दिन तेरा शादी विवाह होगा, बाल बच्चा होगा, तो फिर तुम कैसे चलाएगा अपना। अब शेखर देखिएगा, शेखर विराट के बातों में आके भड़क जाता है, जबकि आपने क्या देखा था पहला पार्ट में कि विवेक और शेखर राम लक्ष्मण की तरह है, और भाभी जो एक सीता की तरह, इतना प्रेम था, लेकिन शेखर विराट के बातों में आके भड़क जाता है और अगला दिन खेत काम करने नहीं जाता है, जबकि वो प्रतिदिन जब सवेरे उठ जाता है, अगला दिन 7 बजे तक सोया हुआ रहता है। अब शेखर जब 7 बजे तक सोया रहता है तो विवेक देखता तो उसको आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे हुआ, ये तो प्रतिदिन बड़ा सवेरे उठता था। अपनी पत्नी से बोलती है पूछने के लिए कि उठा क्यों नहीं है, तो रचना उसको पूछती है कि तबीयत खराब है क्या, तो वही बोलता है कि नहीं, अब सब काम का बंटवारा होगा, हमें अपना हक चाहिए। विवेक का मानो विवेक को बहुत दुख होता है ऐसा बात सुनकर, और इस तरह से विवेक क्या होता है, ठीक है कि
ऐसे अगर ऐसी बात है तो हम तुमको सारा कुछ, सारा ज़मीन जो है सो आधा कर देंगे। और वो चला जाता है कोर्ट, कोर्ट जाता है इसलिए ताकि जितना भी ज़मीन जायदाद है सबका बंटवारा हो सके। लेकिन फिर उसे उसी बीच में क्या होता है, जग्गा जो कि एक दूसरा सुपरवाइजर और विराट फिर शेखर से मिलता है और बोलता है, फिर भड़काता है कि तेरा भाई कोर्ट इसलिए नहीं गया कि ज़मीन का बंटवारा करेगा, ज़मीन जायदाद का सब कुछ का, इसलिए गया है ताकि वो सारा कुछ अपना नाम कर लेगा और फिर वही मतलब क्या कहते हैं सारा संपत्ति का मालिक बन जाएगा। इसीलिए तेरा घर में बंदूक है ही, तुम बंदूक उठाओ और उसके सामने तान देना कागज़ में साइन करने के लिए और बोल, लेकिन ध्यान रखना चलाना नहीं। वो डर के मारे क्या कर देगा, साइन कर देगा। और जब वो कोर्ट से घर आता है तो क्या होता है, विवेक मतलब पत्रिका पढ़ता है, वहाँ पर ज़मीन का कागज़ भी रहता है, संपत्ति का कागज़ भी रहता है। तो वही शेखर जो है जग्गा और विराट तो एक तरह से दोनों कह दीजिए, लेकिन ज़्यादा मतलब विराट ही मेन होगा, इसके बहकावे में आकर उसके घर में जो बंदूक रहता है, बंदूक अपना भाई विवेक पर तान देता है, ठीक है, और बोलता है चुपचाप कि आज तक हम बहुत देख लिए, अब हम शेखर नहीं आपका छोटा भाई है, ठीक है, चुपचाप साइन कीजिए और अगर ज़्यादा देर किए, हमें मजबूर किए तो हम गलत कदम भी उठा सकते हैं। उसका कहने का मतलब था कि अगर आप साइन नहीं करते हैं तो हम गोली भी चला सकते हैं, ठीक है। विवेक को बहुत ख़राब लगा, इतना लाल प्यार दिया था, गुस्सा के मारे विवेक कहता है चलाओ गोली तुम। होता क्या है देखिए, गोली जो शेखर कभी गोली चलाया भी नहीं था, बेचारा ऐसा बंदूक दिखाता है, लेकिन विराट क्या करता है चुपके से गोली मारता है, किसको, विवेक को, क्योंकि विवेक ने उसको वहाँ से फैक्ट्री से एक बार वापस भेज दिया था, समय पर नहीं गया था। और इस प्रकार से विवेक का मृत्यु हो जाता है, लेकिन मरते समय विवेक कहता है कि सारा ज़मीन जायदाद हम तुम्हारे नाम कर दिए हैं। उसकी भाभी वो कागज़ देती है और ये बात चला जाता है कहाँ पर, कोर्ट में। कोर्ट से जाने से पहले होता क्या है कि विराट जो विराट हत्या किया ना विवेक का, तो वो पिस्तौल से हत्या करता है, पिस्तौल अपना पत्नी भावना को देता है, कहता है ऐसा जगह छिपाना कि यमराज का बाप भी ना खोजे पारते, ठीक है। और अंतिम दृश्य में आप क्या देखते हैं, अंतिम दृश्य जो कोर्ट का सीन होता है, एक बख्शी जी वकील रहता है, एक सरकारी वकील रहता है, जज साहब रहते हैं, और जज साहब को सारा प्रूफ मिलता है कि हत्या जो है बंदूक से नहीं पिस्तौल से हुआ है, और जज साहब दफा 302 के तहत विराट को सज़ा सुनाती है और शेखर को जो है बाइज्जत बरी करता है। और इस प्रकार से यह नाटक समाप्त होता है। हालांकि इस नाटक से हमें क्या सीख मिलता है, नाटक से ये सीख मिलता है कि जो अच्छे हैं उसके साथ अच्छा होता है, जो बुरे हैं उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है, जो डाह करते हैं जलन करते हैं वो कभी अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आप पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड है, आप वीडियो देखिए, झारखंड सचिवालय में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये डा लेखक के जो रचवैया लागे जकर नाम है के सुकुमार, तो इस वीडियो में हम इन की करवाए सुकुमार जी के परिचय, जीवनी और लिखल किताब, ओकरा कौन कौन सामान मिले ये पढ़वे। तो शुरू करते हैं सुकुमार। तो खोरठा कोकिल सुकुमार जी का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। सुकुमार के पूरा नाम की लागे सुरेश कुमार विश्वकर्मा, याद रखबे परीक्षा दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनखर जन्म 2 नवंबर 1956 के गांव भेंडरा, तो जन्म के डेट भी याद रखबे कब, 1956, और कहाँ, भेंडरा गांव जिला बोकारो में हेल है, जगह भी याद रखना है। इनखर बापे का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा, बापे का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा और माए का नाम राधा देवी है। गाँव एक हाई स्कूल से 1972 में मैट्रिक पास कर ले, तो ये सब डेट जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। गाँव एक हाई स्कूल जो MCQ आएगा मेरा, ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा, उसमें आपको अभ्यास करना है। तो गाँव एक हाई स्कूल से 1972 में मैट्रिक कर ले और धानबाद से ITI 1976 में मैट्रिक के बाद सुकुमार जी की कर ले ITI कर ले। और इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जा है, जैसे सुकुमार जी जी है सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी है कौन कोर्स कर ले हथिन, तो ITI IIT पॉलिटेक्निक, इस प्रकार से ऑप्शन दिया जा सकी है। एक बाद है करल बाद है 1984 से लघु सिंचाई विभागे पंप ऑपरेटर के रूप में काम कर ले, यानी आप काम शुरू कर दिला पंप ऑपरेटर के रूप में, कहे कैसे पंप ऑपरेटर में, कहे कि वो ITI कर ले हथिन। अगर बाद काम करते करते 1993 में इंटर कर लथिन, और इंटर कहाँ से कर लथिन, झारखंड कॉमर्स कॉलेज डुमरी से,
झारखंड कॉमर्स कॉलेज डुमरी से, और डुमरी कहाँ है, डुमरी गिरिडीह में है, ठीक है। और बीए जो बीए किया कहाँ से किया, बीए देखिए 1996 में झारखंड कॉलेज डुमरी से ही बीए कर ले हथिन। तो ये था उसका एक संक्षिप्त परिचय। अब उनका की रचना लगे, कौन कौन किताब लिख ले हथिन, ये सब देख लो। एकर है इनकर कृति है पैनसोखा, जो बहुत ही प्रचलित है। तो पैनसोखा जैसे सीजिल के सिलेबस में ना है, तो खाली इतना याद रखबे कि सुकुमार जी लिख ले हथिन, और पैनसोखा में की कहानी है वो जानना जरूरी ना है, बस सुकुमार जी लिख ले हथिन। और ये डा है तो सुकुमार जी के बारे में जानना है, तो सुकुमार जी लिख ले है इसलिए सब जानना है, अगर डिटेल्स ना जानना है तो पैनसोखा की है गीत संग्रह के। एक बाएँ हाथे का रतन ये खंड काव्य है, बाएँ हाथे का रतन जो है कोची है खंड काव्य है। और डाह जेकर बारे में हमने की कर लिए पढ़ लिए, ठीक है। डाह देखें कि डाह मतलब की होता है, यह एक नाटक है और बहुत प्रचलित है, पूरा बढ़िया से आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसमें एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, जैसे हम बताएं अगर आप इसे पढ़ेंगे तो। मदन भेरी की लागे तो मदन भेरी गीत संग्रह लागे, ठीक। एकर अलावा हरिश्चंद्र तारामती लिखल हथिन, ज्वाला दहेज के ये भी लिखल हथिन, दो भाई, एकर अलावा की लिखल हथिन सिकंदर ये आजम, सिकंदर ये आजम। एकर अलावा है लालचंद चरित्रमानस, फिर सेवाती, फिर झिंगुर लिखल हथिन। झिंगुर भी बड़ी फेमस रचना लागे, झिंगुर हम पढ़ल ही है, बहुत फेमस रचना लागे है, लेकिन जैसे कि सचिवालय में सीरियल में इस बुक ना है, तो सिर्फ इतना याद रखें कि झिंगुर के लिख लिए थे सुकुमार जी लिख लिए थे। तो यहाँ उसका हम लोग क्या देख लिए, काव्य मतलब जो रचना था। अब इनकर थोड़ा सा विशेषता देख लिए, सुकुमार जी की विशेषता के, तो इनकर भाषा शैली एकदम सरल, सुबोध सुग्राह आर प्रभावमयी है। मतलब अगर जे खोरठा में लिख लिए हथिन, पढ़े में बहुत रुचि लागे है, बहुत सरल है। देखल जाए तो खोरठा भी एक प्रकार से टफ भाषा है, कहो कहो ऐसा भाषा ऐसा वर्ड मिले हैं जकर मतलब हमें ना बुझे पा रहे, लेकिन सुकुमार जी जे लिख लिए हथिन वो बहुत सरल सुबोध और सुग्राह है और प्रभावमयी है, जे आसानी से समझ में आ जाए। विस्थापन के दर्द, शोषण के विरुद्ध मुक्ति की आवाज पत्र पत्रिका में प्रकाशित होवित रहे है। तो सम्मान, हमने सम्मान देखबे की खोरठा भाषा में रचना कर लके तो कर की इज्जत पैल थीन सुकुमार जी, ई देखबे। बोकारो खोरठा कमेटी बाटे मतलब से, ठीक है, उधर से बोकारो खोरठा कमेटी की ओर से, तो बोकारो खोरठा कमेटी बाटे से खोरठा रतन के अवार्ड मिलल है सुकुमार जी के, याद रखबे खोरठा रत्न अवार्ड मिलल है, कब 1993 में। एकर अलावा झारखंडी भाषा संस्कृति अखाड़ा रांची बाटे से, ये एक विभाग लगे झारखंडी भाषा संस्कृति अखाड़ा रांची बाटे से अखाड़ा सम्मान मिलल है। एकर अलावा झारखंड के जे खेल विभाग है ओकरो से इनका जी है प्रशस्ति पत्र 2007 में मिलल है। तो इस प्रकार से हम लोग डाह नाटक जो है पूरी तरह से कंप्लीट किए, तीन पार्ट में डाह नाटक को पढ़े, पार्ट फोर में सुकुमार जी के जीवनी को रचना को पढ़े। अब इससे जो भी प्रश्न आएगा डाह से, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और एक विशेष आपको फिर से बता देते हैं कि अभी तक अगर आप टारगेट पुर का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं ये प्ले स्टोर से, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि झारखंड सचिवालय सीजीएल और जेपीएससी का जो खोरठा है आप कंप्लीट पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।